भाई धर्मपत्नी का जो आज का एपिसोड था उसको देखकर मैं एक बात बोलूंगा कि काव्या और काव्या की माँ का जो रोल है अब इसको भाई कम करो भाई, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग हुई, बहुत ही एक चीज रिपीटेटिव हो रही है, पकड़ा हूं मैं। प्रतीक्षा का भी कभी कभार ठीक लगता है थोड़ा बहुत अब, लेकिन प्रतीक्षा का भी एक रिपीटेटिव चल रहा है, तो उसको भी अब खत्म कर कुछ नया डालो यार। मैं सीरियसली पकड़ रहा हूँ, सीरियसली अंदर ही अंदर ना अब ऐसा होता है कि यार शो क्यों देख रहे हैं जब कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ी बात, कुछ घंटों पहले यहाँ पे आज खुद हमारी जो किंजल यानी कि प्रतीक्षा की बहन है उसने कबूल किया कि भाई तू ये कह रही थी तू जाके सब कुछ अभी को बता देगी, यानी कि जब वो क्या कहते हैं मंदिर के पास जो रोना धोना मचा था वो सब कुछ कर रही थी, ठीक है उस टाइम पे तू जाके मतलब बोलने के लिए कही थी रवि को कि मैं जाके बोल दूंगी कि मैं उसको प्यार करती हूँ या फैसला जो भी है। अब घर वापस आने के बाद तू क्या कर रही है, मतलब हाँ आज ही रात को हुआ जो हुआ है ठीक है, अब आज सुबह हो गई तो सुबह का तेरा सब कुछ बदल गया, मान लिया भाई किंजल ने कि रात रात भर में ऑपरेशन भी हो गया, ठीक है ऑपरेशन का जो टाके वाके लगे वो भी सारे सही हो गए, हाथ में कोई दर्द वगैरह भी नहीं है, सब कुछ बढ़िया हो गया है, लेकिन जो सर पे एक बार दो बार मारा है क्या कहते हैं वाइपर ने उसकी चोट अभी भी मेंटेन है, तभी पट्टी बांधी हुई है। क्या बात है, मतलब डायलॉग राइटर्स को कुछ तो सोच समझ के डालना चाहिए कि भाई वो क्या डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, किस लिए डालो, कहाँ पर क्या चीज सही है। नहीं भाई जो समझ में आता वो डाल दो बस, डालने से क्या होगा, डालने से भाई बस अपना एक है कि मैं भाई मेरा एक काम था मेरा वो पूरा कर दिया, काम और फर्ज में अंतर होता है भाई, यहाँ पे सब काम कर रहे हैं कोई अपना फर्ज नहीं निभा रहे कि चलो भाई फर्ज निभा रहा हूँ कि भाई ये कुछ कर रहा हूँ तो इसको मैं पूरी मतलब शिद्दत के साथ करूँ, कोई भी नहीं कर रहा, ना डायरेक्टर कर रहा है, ना सिनेमाटोग्राफर कर रहा है, ना पे डायलॉग राइटर कर रहा है, स्टोरी लिखने वाली को तो मैं बात ही नहीं करूंगा, वो तो भाई चरस गांजा फूक के वो काम करता है, स्टोरी लिख रहा है उसकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा, एपिसोड जो बंदा बना रहा है भाई 21 एपिसोड में क्या स्टोरी होनी चाहिए वो भी भाई साहब चरस गांजा फूक के लिख रहा है, ठीक है बस एक्टर्स की है, एक्टर्स अपना 100% दे रहे, लेकिन भाई जब सेम चीज रिपीटेटिव होगी ऑब्वियस सी बात है कि भाई बंदे की ओवर एक्टिंग निकलेगी, बंदा पकेगा ही कि यार ये क्या एक ही चीज में 2 हफ्ते 3 हफ्ते एक एक 1.5 महीने से कर रहा हूँ ये कर रही हूँ मैं, कहाँ से भाई एक चीज में मैं मतलब एक नयापन डालूंगी, बस हो गया भाई है ना, लिमिट हो गई, अब नहीं बस हो गया, अब उसके आगे कुछ नहीं हुआ, हो गया जो हो गया बस। अब यहां पर जो अगली चीज है, मुझे ये अच्छी चीज लगी कि रवि के पापा यहाँ पर प्रतीक्षा की साइड और रवि की मम्मी की बैंड बजा रहे अच्छे से, और जो जवाब दिए ना वो भाई मुझे सुन के बड़े अच्छे लगे, और सब कुछ बढ़िया लगा कि भाई किस तरीके से ना मतलब जवाब दिएगा, मुझे पर्सनली अच्छा लगा क्योंकि प्रतीक्षा को एक्चुअल में कोई एक ऐसा सपोर्ट चाहिए था जो मतलब इस तरीके से उसको घर के अंदर रहकर जो एक कहते नहीं बेस बेस में रहकर उसको सपोर्ट करे, क्योंकि बीजी करती बीजी का सपोर्ट नहीं। अब बचे रवि के पापा रवि की मम्मी, रवि के पापा अगर थोड़ा प्रतीक्षा के अगेंस्ट में जाते, प्रतीक्षा के अगेंस्ट में कहानी चलती, प्रतीक्षा के फेवर में करते तो प्रतीक्षा के फेवर में जाता, अब वही चल रहा है कि प्रतीक्षा के फेवर का तो प्रतीक्षा के फेवर में ही जा रहा है, बाकी अब देखते हैं कोई पूजा होने वाली है ठीक है उसमें क्या सीन होता क्या नहीं होता कैसे क्या होता है, और काव्या की जो ओवर एक्टिंग हो रही है उसको भी खत्म करो क्योंकि कुछ नया मिल नहीं रहा, तो वो भी भाई बेचारी कुछ नहीं कर पा रही, वो बंदी पक गई है तो वही अपने सेम चीज को रिपीट करके कुछ ना कुछ अच्छा देने की कोशिश करती है, लेकिन भाई नहीं वो ओवर एक्टिंग में जा रहा है। प्लीज डायरेक्टर्स राइटर्स जो हमारे डायलॉग राइटर्स हैं ठीक है स्क्रिप्ट राइटर्स हैं एपिसोड के राइटर्स हैं उनको भाई मैं बोलता हूँ प्लीज यार कुछ नया डालो, पक चुके हैं वो भी सेम चीज करते करते, पक चुके हैं हम भी सेम चीज देखते देखते। चलो भाई अब मिलते हैं हम आपसे कल के एपिसोड में, देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होगा, धर्मपत्नी को क्या चीज हो सकती है, बाकी तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं या नहीं, और इसी तरीके से भाई धर्मपत्नी के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिलता हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।